महामारी दौरान त्योहारों का रंग ढंग इस साल बेशक वखरा है, पर जोशो जुनून विच कोई कमी नहीं, खास करके बच्चों विच। बच्चों के प्लान और गतिविधियां उन्होंने त्योहार मनाने की गर्मजोशी नूं फिक्का नहीं पैन देंगे। Long, long ago, there was a wise king named Dasharatha. He ruled his country. His country named was Ayodhya. अक्सर देखा गया है कि माता पिता अपने बच्चों को त्योहारों के माध्यम से अपने कल्चर और संस्कृति के साथ जोड़ते हैं और बच्चों को रीति रिवाज, मान्यताएं और अच्छे बुरे के सबक भी कहानियों के माध्यम से सिखाए जाते हैं, ताकि वे हंसते खेलते जिंदगी के फलसफे सीखते चलें। ऐसा ही कुछ चाहना की माँ लावण्या ने भी किया, जिसने उसे दिवाली का महत्व एक कहानी के जरिए समझाया। He had four prince and three queens. One of the prince named was Rama. He had three brothers. Few years passed. His stepmother told them to get out of their kingdom and go to the forest and live with his wife. It was Ravana. He had 10 heads, and then Rama killed Ravana, and then he saved Sita. When they were going home, everybody rejoiced and was very happy and did oil lamps. पर चूंकि ये दिवाली पिछले सालों के मुकाबले कुछ अलग है, हर साल अपने दोस्तों के साथ मिलकर दिवाली मनाने वाली शहाना इस बार ऐसा नहीं कर पाएगी। Last year it was very good. We get to go to the temples, we get to do acting, we got to do sweets, we played with our friends. That was last year and I liked it last year. But luckily we can do some fireworks and eating sweets. That's the best part. Kaina har saal Diwali ka intezaar besabri se karti hai. इस साल अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वर्चुअल दिवाली मनाने वाली है और दिवाली से जुड़ी कुछ ड्राइंग्स भी करने वाली है। इस साल दिवाली पे मैं अपने फैमिली कोविड-19 की वजह से किसी रिलेटिव से घर नहीं जाएंगे, वो हमारे घर ही आएंगे, तो हम उनको फोन में हैप्पी दिवाली विश कर देंगे। मैं दिए जलाऊंगी, मैं और मेरी भाई फायरक्रैकर जलाएंगे, गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करेंगे, पापा मम्मी हमको गिफ्ट देंगे। ज़ाइना हमसे बात करते हुए दिवाली की अपनी पुरानी यादें ताज़ा करती हुई बताती है। इंडिया में बहुत कुछ करते थे, हमारी सेलिब्रेशन होती थी, हम हाउस डेकोरेशन करते थे, रंगोली बनाते थे, दिया जलाते थे, हम गेट टुगेदर्स करते थे, फायरवर्क्स होती थी, गिफ्ट्स एक्सचेंज होते थे और हम पूजा भी करते थे, बहुत ज़्यादा ग्रैंड होता था। भले ही वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर शोरगुल नहीं कर पाएगी, लेकिन आर्ट एंड क्राफ्ट में रुचि रखने वाली ज़ाइना अपने परिवार के साथ घर को सुंदर सजाने का पूरा प्लान तैयार किए बैठी है। बट आप इसको स्टेपल भी कर सकते हो। दूसरी तरफ शहाना ने खास म्यूजिक पीस सीखा है, ताकि वो दिवाली को अपने और अपने पूरे परिवार के लिए मनोरंजक और यादगार बना सके।